हेलो एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी लेसन नंबर 2, दो लघु कथाएं। आज हम सीखेंगे बच्चों दो लघु कथाएं, दो छोटी छोटी स्टोरी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों लेखक। लेखक का नाम क्या है? हरी जोशी। इसके बाद हम परिचय देखेंगे बच्चों। परिचय में क्या है? जन्म 1943, जन्म 1943, खुड़िया मध्य प्रदेश। इनका जन्म कब हुआ है बच्चों? 1943 में, और खुड़िया मध्य प्रदेश में, ठीक है। और देखो परिचय क्या है? सेवानिवृत्ति प्राध्यापक हरि जोशी जी को साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। मतलब इनकी जो साहित्यिक रचना थी वो बहुत सारी, जो प्रतिष्ठित मतलब जो बहुत बड़े नाम वाली पत्रिका थी उसमें उनको प्रकाशित किया जाता था, मतलब वो छपता था उसमें। आपको गोयन का और सारस्वत सम्मान और वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं, मतलब ये सारे सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। ओके बच्चों, तो आगे हम देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ में क्या है? पंखुड़ियाँ, यंत्र युग और अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जिसमें इन्होंने कृति किया है। अब हम देखेंगे बच्चों गद्य संबंधी। यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। पहली लघु कथा में उन्होंने क्या बताया बच्चों? कि बुरा काम हमें नहीं करना चाहिए और उसका नतीजा बुरा ही होता है। और दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है, मतलब जोशी जी ने बताया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कठोर इंसान जो होते हैं उसके अपेक्षा में जो विनम्र होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड करते हैं उनका सर एक न एक दिन नीचा हो ही जाता है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। मौलिक सृजन में क्या है बच्चों? विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। अगर आपके बिहेवियर, आपके स्वभाव, आपके आचार विचार सब अच्छे हैं तो समझो आपके अंदर सद्गुणों की नींव है, जो सद्गुण होते हैं ना उसकी। तो देखो इस पे क्या दिया है कि इस विषय पर अपने मन के भाव लिखो। तो इसके विषय पे क्या करना है? अपने मन के भाव लिखना है। तो आपके मन में विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है नहीं है उसका आपको भाव प्रकट करना है। ओके बच्चों, तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या है दो लघु कथाओं में। तो इसमें क्या दिया है बच्चों? नींव। सबसे पहला क्या है? नींव। अब हम नींव में देखेंगे कि नींव में क्या क्या है। अब देखो बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग जो थी वो इमारत की दीवार क्या है? नींव से उठ रही थी। अभी दीवार में सबसे पहले क्या, दीवार सॉरी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती है बच्चों? नींव डालनी पड़ती है ना। नींव जो होती है ना वो सबसे मजबूत होनी चाहिए, तभी वो नींव के ऊपर सारा भार टिका होता है। फिर ठेकेदार नया था। अब वो जो ठेकेदार था जो उसको अपनी देख रेख में बहुमंजिला इमारत को बनवा रहा था, वो क्या हुआ? भयभीत सा वह तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। मतलब वो भयभीत था और जो जुड़ाई करवा रहा था, मतलब सीमेंट और बालू जो जितने मात्रा में डालने चाहिए उतने मात्रा में वो नहीं डाल रहा था। तो 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन
अधिकारी महोदय आए अगले दिन, मतलब उनसे बड़े आए उनको देखने के लिए, और उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। मतलब ठेकेदार को उन्होंने, अधिकारी जो थे उन्होंने बोला कि ये इनका काम सही नहीं है। और फिर महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। ठेकेदार को किसने बोला बच्चों? महोदय जी ने, जो अधिकारी आए थे ना उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ऐसा काम करना है तो तुम यहाँ नहीं, कहीं और जाओ। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गरम हो गए। और क्या हो गए? गरम हो गए मतलब गुस्सा हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या था, 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत थी, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत। मतलब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा कम किया, फिर भी वो गरम हो गए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? अंतिम, मतलब लास्ट बार उन्होंने बोला कि अगर इस बार तुम्हारा काम ठीक नहीं रहेगा तो तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर काम में सुधार नहीं हुआ तो कल तक ये काम बंद हो जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अब जो नया ठेकेदार था बच्चों ना, वो घबरा गया और उनकी बातों से वो सोचने लगा कि मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। फिर इसके बाद उसने क्या सोचा कि जो मतलब एक अनुभवी, जो मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं ना ठेकेदार, उनसे उसने सलाह मांगी। और अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। क्या बताया? कि ये महोदय जो अधिकारी हैं उनको रिश्वत चाहिए, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। अब नया ठेकेदार ईमानदार था, जो नया वाला ठेकेदार था बच्चों बहुत ही ईमानदार था, और जो अधिकारी आया था वो रिश्वत खोर थे, इसलिए उसके कामों को बार बार खराब बता रहे थे, और वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। क्या समझता था बच्चों? अपराध। और सच में रिश्वत देना और लेना अपराध होता है। और उनसे भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अभी क्या, जो दूसरे इनसे मिले थे ना ठेकेदार से, उन्होंने उनसे बातचीत किया और समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या बोला कि अब मैं इस भ्रष्ट अधिकारी का पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया हूँ, मैं अब इसको सबक सिखा के ही रहूँगा। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। क्या किए? जब अगले दिन अधिकारी मतलब महोदय जी आए तो नए ठेकेदार ने क्या किया बच्चों? रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अब देखो जब लिफाफा पकड़ा दिया, अधिकारी प्रसन्न होकर, अब देखो अब लिफाफा लेने के बाद अधिकारी कितना प्रसन्न हो रहा है, तो अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए, क्योंकि ये नए वाले की प्लानिंग थी। और यहाँ पे कौन से मतलब जो अधिकारी महोदय आते थे ना बार बार काम में कमियाँ ढूंढते थे, तो फिर क्या हुआ कि उनसे बड़े अधिकारी आ गए। फिर अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। कैसे पकड़े गए बच्चों? वो रिश्वत जब ले रहे थे तभी उनको बड़े अधिकारी ने देख लिया। इसको बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ा जाना। और फिर बच्चों देखो, वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। मतलब कि रात में ही जो नया वाला ठेकेदार था ना, जिसको ईमानदार था, वो बहुत ईमानदार था, तो उन्होंने क्या किया कि अधिकारी महोदय के खिलाफ
उन्होंने जो सबसे बड़े अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उनसे उनकी शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे, तो जो एक ईमानदार दूसरे ईमानदार की बात तो पक्का सुनेगा। तो उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, क्या कहा बच्चों, कि ये जो है कुछ लोग ही काम करते हैं भ्रष्टाचारी का, रिश्वतखोरी का, लेकिन उनकी वजह से पूरा स्टाफ बदनाम हो जाता है, मतलब पूरे अधिकारी ही बदनाम हो जाते हैं कि ये फील्ड में ऐसे ही लोग रहते हैं। अब देखो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने क्या किया बच्चों, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको क्या करने का निर्णय ले लिया, उनको दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। और सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा, सच ही कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। और ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। देखो ठेकेदार भी ईमानदार और उच्च अधिकारी भी ईमानदार, और दोनों का ईमानदारी समाचार में चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, मतलब जब उनका सार्वजनिक समारोह होता है ना पूरे लोगों का, तो उसमें उन दोनों को सम्मानित किया गया। जैसे मेडल वेडल देते हैं ना, सम्मानित करते हैं, वैसे उनको सम्मानित किया गया। तो आई होप बच्चों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी नींव की, क्योंकि अभी आप लोग अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो आपको भी इन सब चीज़ों से बचना है कि रिश्वत न देना है और न रिश्वत लेना है। इन सारे हो सकता है इसमें से आप में से कोई बच्चा बहुत बड़े पोस्ट पे हो जाए जो रिश्वत का काम करने लगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपका जो मेहनत का पैसा मिलता है, जो आपकी सैलरी मिलती है, वही आपकी अपनी है, और दूसरों का कभी भी दिल दुखा के पैसा नहीं लेना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे दूसरी लघु कथा। हमने देखो दो लघु कथाएं हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक लघु कथा हो गई, अब दूसरी हमारी चालू होगी, ठीक है बच्चों। तो दूसरी लघु कथा क्या है बच्चों, वो हम देखते हैं कि जीभ का वर्चस्व। जीभ आपको पता है ना, जीभ क्या होती है, जो हमारे पास होती है ना। अब देखो प्रति पंक्तिबद्ध पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। ये पंक्तिबद्ध है, आपको पता है ना कि जो हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जो दांत है वो पंक्तिबद्ध है, मतलब कि वो एक साथ एकजुट में रहते हैं, लाइन लाइन से, ऊपर भी लाइन लाइन से और नीचे भी लाइन लाइन से रहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, वो लोग एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व से चूर होकर जिह्वा से बोले। एक दिन वो क्या बोले, बड़े ही गर्व से चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा मन जिह्वा बच्चों क्या होता है, जीभ, जिसे हम टेस्ट लेते हैं, खाते हैं। और इसके बाद हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। क्या बोले दांत, कि हम लोग जो मित्र हैं वो 32 लोग हैं और बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब हम लोगों में आपस में बहुत गहरा प्यार है। ऐसा कौन बोल रहा था बच्चों, दांत बोल रहा था। और फिर हम देखेंगे एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली। क्या बोल रहे हैं जीभ से लोग, अकड़ की बात कर रहे हैं कि हम लोग एक से एक मजबूत हैं, तू ठहरी अकेली, चाहे तो मुझे बाहर ही न निकलने दे, चाहे तो मुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार क्या किया, ऐसा कुलसित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एक कदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। जीभ क्या बोली, तुम ऊपर से एक कदम सफेद और स्वच्छ हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है ना, वो बड़ा ही कपटी है, बड़े ही बेकार हो, है ना, ऐसे जीभ ने बोला। अब देखो ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ
ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ किसको ऐसा बोल रही है? दांत को। और वाचलता छोड़ अपनी औकात में रह, वाचलता छोड़ अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। अभी दांत जीभ को गुस्सा कर रहा है कि वाचलता मतलब ज़्यादा वकालत तो मत कर, ज़्यादा बात मत कर, तू अपनी औकात में रह और हम तुझे चबा सकते हैं। क्या बोले जीभ को दांत? कि हम तुझे चबा डालेंगे और यह मत भूल कि तू हमारी कृपा से ही राज कर रही है। दांत क्या बोल रहा है जीभ को? कि ये तू बिल्कुल मत भूलना कि तू हम लोगों की कृपा से ही इसमें राज करती है। दांतों ने किटकिटा कर कहा, मतलब एकदम गुस्से से कहा ये बात कि तू ये मत भूल, तू हमारी कृपा से ही राज करती है। जीव ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। जीव क्या बोल रही है कि दूसरों को चबाने वाले जो लोग होते हैं, जो ये ललक रखते हैं, वो क्या करते हैं? वो बहुत जल्दी टूटते हैं, बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं। और देखो सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। अभी जीव ने देखो क्या मस्त ताने मारे हैं कि तुम लोग ना अवसरवादी हो, जब तक मनुष्य जवान रहता है, यंग रहता है, तब तक ही तुम लोग उसका साथ निभाते हो। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल जाते हो। क्या बोल रहे हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस अवस्था में तुम लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हो, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। जीव ने कैसा सुंदर जवाब दिया है, अब देखते हैं आगे बच्चों। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? अब दांत क्या अपने घमंड को कैसे चूर होने देगा? अब वो सोच रहे हैं कि हम बड़े शक्तिशाली, हम क्यों हार माने, हम हार नहीं मानेंगे। और बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत क्या बोल रहा है कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े लोग थर्राते हैं। मतलब कि जो हमारा जो दांत है वो बहुत ही नुकीला और कटीला है और कड़क है, तो हमसे सब लोग थर्राते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा बच्चों आप लोग को, हमें भी आ रहा है पढ़ाने में। तो अभी देखिए जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, मतलब जीभ ने बड़े ही विवेक से मतलब बुद्धि से उत्तर दिया। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। क्या बोला जीभ ने? कि जो तुम्हारा नुकीलापन है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ तक सीमित है? मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ, बोल रही है विनम्रता से, मतलब बड़े ही प्यार से वो कह रही है, विनम्रता से कह रही है कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जीभ क्या बोल रही है बच्चों? कि तुमको तो बस मुंह के अंदर ही सीमित रह सकते हो, वही कार्य क्षेत्र है तुम्हारा, लेकिन मेरा, मैं पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता रखती हूँ। मतलब मैं सबको झुका सकती हूँ। दांतों ने पुनः धमकी दी, दांतों ने पुनः मतलब फिर से धमकाया, हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं, हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं, मतलब कि जो हमारे हम 32 लोग हैं ना, तुझे पूरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और कब तक हमसे बचेगी, बोल रहे हैं कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, क्या दी? चेतावनी दी। और डॉक्टर को बुलाऊं और दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। क्या बोल रहे हैं? जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी कि डॉक्टर को बुलाऊं,
दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। आपको पता है सिंपल सा एग्जाम्पल, जब जब इंसान के दांत में बहुत दर्द होने लगता है, बहुत दुखने लगता है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है दांत को बाहर निकालना। तो जीभ वही धमकी दे रही है कि ज़्यादा अगर आप लोग ये करेंगे ना, तो चेतावनी दे रही कि मैं डॉक्टर को बुलवा के आप लोग का दांत जो है एक एक करके बाहर निकलवा दूंगी। मुझे तो छुएगा भी नहीं, मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम बाहर दिखाई दोगे। जीभ क्या बोल रही है कि डॉक्टर मुझे तो छुएगा भी नहीं, लेकिन तुम लोग बाहर दिखाई दोगे। अब देखते हैं, घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। घमंडी जो दांत थे, अब उनके पास कोई उत्तर, कोई जवाब नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। क्या बोल रहे हैं कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। अब घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मानी लिया। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मानी लिया, मतलब घमंडी जो दांत लोग थे, आखिर जीभ की बातों से सहमत होना ही पड़ा कि हम लोग इतना घमंड नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें भी जीभ की तरह विनम्रता से रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये जीभ का वर्चस्व समझ में आया होगा बच्चों, बहुत मज़ा आया होगा आपको लेसन में। तो ये लेसन आपका यहाँ पे बच्चों फिनिश होता है। तो आप अपने होमवर्क में शब्द वाटिका करेंगे, मुहावरा करेंगे, और ये जो देखो दिया हुआ है ना, उत्तर लिखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो, ये आप अपने लेसन से ढूंढ के करेंगे। दांतों की विशेषताएँ और जीभ द्वारा दी गई चेतावनी, देखो अभी मैंने चेतावनी पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें आपको ढूंढ के लिखना है अपने आप। अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको होमवर्क भी सेंड कर दूंगी। ओके बच्चों, अब देखो ये भी दिया है ना, चौकट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ, तो आपको ये भी करना है। दांत घमंडी थे, सही है कि गलत, तो सही का चिन्ह लगा देंगे। जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, नहीं, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे क्योंकि उसने विवेकपूर्ण उत्तर दिया था ना। और अब देखो, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, सभी अपराधियों को हुई थी सजा, ये आपको सही गलत का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो उचित जोड़ियाँ मिलाओ, बहुमंजिला, अधिकारी, नए ठेकेदार, सार्वजनिक समारोह। तो इसमें सार्वजनिक समारोह में क्या हुआ था बच्चों, सम्मान मिला था, और नया ठेकेदार कैसा था, ईमानदार था, और अधिकारी कैसा था, भ्रष्ट था, और बहुमंजिला इमारत थी। तो ये आप मैच कर सकते हैं। ओके बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। अब देखो, ईंट है, जान है, पानी है, खिचड़ी है, तो ये आपको अपने वाक्यों में क्या करना है, प्रयोग करना है। उपयोजित लेखन, जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। यह आपको विज्ञापन तैयार करना है जल की अपव्यय रोकथाम के संबंधी चित्रकला, आपको प्रदर्शनी का बनाना है आकर्षक चित्रकला, और उसका विज्ञापन तैयार करना है। मैंने समझा, आपको ये लेसन से क्या समझा बच्चों, वो आपको लिखना है। और किसी ग्रामीण शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करके आपस में चर्चा करें, है ना, किसी ग्रामीण व्यक्ति के बारे में जानकारी ले करके आप लोग उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही प्यारा लेसन है ये। तो अभी आपका लेसन फिनिश होता है बच्चों, दो लघु कथाएं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।